बिग बॉस सीजन 13 में नजर आने वाली सहनाज गिल के पीठ पर एक टैटू है जो बहुत ही प्यारा सा है, और ये टैटू किसी लड़के का नजर आ रहा है जहां पर लिखा हुआ है डोंट लुक। वेल, ये खबर सुनकर चौंकने वाली बात नहीं है। आपको बता दें, सहनाज गिल सिंगल ही है और ये बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये टैटू तो सहनाज गिल ने बनाया हुआ है पंजाबी सिंगर करण ओजला का। जी हाँ, एक पंजाबी सिंगर करण ओजला का ये टैटू बनाया गया है। सहनाज गिल ने बेबी हाउस में भी इस बात का रिवील किया था कि उसने ये टैटू क्यों बनवाया है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिरकार सहनाज गिल ने करण का ये टैटू क्यों बनवाया है, और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि करण मैरिड भी है। जी हाँ, करण की शादी उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ही हुई है। वेल, सहनाज ने ये टैटू करण का इसलिए बनवाया है क्योंकि सहनाज चाहती है कि जो भी उसका बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड हो, उनका एटीट्यूड करण ओजला के जैसा हो। सहनाज को करण ओजला का एटीट्यूड अच्छा लगता है, बस इसलिए ही सहनाज उसी एटीट्यूड के लड़के के साथ शादी करेगी जिसका एटीट्यूड करण ओजला के जैसा हो। और करण ओजला का गाना डोंट लुक सहनाज को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए ही सहनाज ने डोंट लुक में करण ओजला का जो भी लुक था वो लुक डोंट लुक सॉन्ग का नाम का टैटू बनवा लिया। वेल, इसी के साथ सहनाज गिल ने तो ये भी तय कर लिया है कि उसे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए या फिर कैसा पति चाहिए, और साथ ही साथ इसका भी रिवील कर दिया है कि आखिरकार सहनाज गिल का जो ये टैटू है ये किसी और ने नहीं बल्कि ये टैटू उन्होंने करण ओजला का बनाया। लेकिन ये बात जब बीबी हाउस में रिवील हुई उसके बाद सभी ने सहनाज को कहा तो फिर करण ओजला से ही क्यों नहीं डेट करती हो, तो उन्होंने ये भी रिवील कर दिया कि करण पहले से ही मैरिड है, इसलिए वो उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती है और ना ही उनकी पर्सनल लाइफ में जाना चाहती है, उसे सिर्फ और सिर्फ उनका एटीट्यूड पसंद। नेक्स्ट 9 लाइफस्टाइल से आंचल की रिपोर्ट।